नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज एमएस धोनी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि आईपीएल सीजन 14 यानी कि 2021 के आईपीएल शुरू होने में अब 2 से 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में एमएस धोनी अब मैदान पर प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि रांची में लोकल खिलाड़ियों के साथ एमएस धोनी ने जमकर नेट्स पर पसीना बहाया और जमकर बल्लेबाजी भी की। कहा यह भी गया कि वो आते ही लंबी लंबी हिट्स मारने का प्रयास कर रहे थे। हमने जैसा देखा कि पिछले सीजन में एमएस धोनी के बल्ले पर उतनी अच्छी गेंद नहीं लग रही थी, अमूमन जिस तरीके से वो खेलते हैं, लेकिन धोनी का रोल कुछ अलग है और इस आईपीएल में वो कुछ अलग करना चाहते हैं। पिछले सीजन में चेन्नई की टीम के साथ ये पहली बार हुआ इतिहास में कि वो टॉप फोर में जगह नहीं बना पाई। ऐसे में एमएस धोनी भी इस बात को जानते थे। कई खिलाड़ियों को चेन्नई ने रिलीज भी किया और कई खिलाड़ियों को रिटेन भी किया और उसके बाद रॉबिन उथप्पा जैसे खिलाड़ियों को ये अपनी टीम में लेके आए। ऐसे में खबरों की माने तो यहां पर एमएस धोनी रांची के जेएससीए स्टेडियम में प्रैक्टिस करते नजर आए और उन्होंने आते ही लंबी लंबी हिट्स मारने का प्रयास किया। यह भी कहा जा रहा है कि जो बोलिंग मशीन से प्रैक्टिस हो रही थी वहां पर भी उन्होंने यॉर्कर गेंदों की प्रैक्टिस की और हेलीकॉप्टर शॉट्स की भी प्रैक्टिस, क्योंकि लंबे समय से लोगों ने हेलीकॉप्टर शॉट एमएस धोनी का देखा नहीं है। धोनी वही खिलाड़ी है जो फिर अपने दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं, एक बेहतरीन फिनिशर वो रहे हैं। बीते साल की 15 अगस्त को उन्होंने संन्यास का ऐलान किया था और अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर उन्होंने दुनिया को ये बता दिया था कि अब वो इस टीम का हिस्सा जो है वो नहीं होंगे और अब वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि कई खिलाड़ियों ने भी कहा कि धोनी को डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी खेलना चाहिए। द ग्रेट कपिल देव साहब ने भी ये बात कही थी, लेकिन एमएस धोनी का शायद प्लान कुछ और है, अब उस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, माही फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि लंबे समय बाद मैदान पर माही की वापसी हुई और उसके बाद उन्होंने लंबे लंबे छक्के टांगकर ये तो अपना इंटेंट क्लियर कर दिया है कि इस बार चेन्नई की टीम कुछ नया करके दिखाएगी, इस बार खुद कप्तान अपने तौर तरीकों से इस टीम को आगे लेकर जाएंगे। देखना है कि इस बार आईपीएल में सीएसके का प्रदर्शन कैसा रहता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।